प्रयागराज के जिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदें बंधी होती हैं, वही आयोग छात्रों के ही निशाने पर है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगी छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। रात होने के बावजूद हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे हुए हैं। जमीन पर पानी की बोतल पीट पीट कर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश है। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में और छात्र वहां पहुंच गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आयोग ने रात 10:30 बजे 7 पॉइंट में बयान जारी किया। कहा कि आयोग और सरकार ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए 2 पालियों में परीक्षा का निर्णय लिया है। कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। लोक सेवा आयोग पे कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। इससे पहले सोमवार सुबह पुलिस ने कैंडिडेट्स को लाठी चार्ज करके भगा दिया था। इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए। फिर करीब 10,000 छात्र आयोग ने कार्यालय से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए। नारे लगने लगे, बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। सोमवार को यूपीपीएस और आरओ एआरओ परीक्षा में यूपी एमपी बिहार में समेत कई राज्यों के हजारों कैंडिडेट आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन पहले से तय होने के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था थी। आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी थी। कैंडिडेट आगे तक आने पर अड़े थे, ऐसे में बैरिकेटिंग तोड़ दी गई। इससे वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज करके छात्रों को वहां से हटाया। इसके बाद आयोग के सभी एंट्री गेट बंद कर दिए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा है, यूपीपीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की थी तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। अब आपको बताते हैं क्यों गुस्से में इतने छात्र हैं और लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल आयोग ने यूपीपीएससी की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तुरंत निरस्त की जाए। आपको बता दें यूपीपीएससी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि लोगों को 2013 के त्रिस्तरीय आंदोलन की याद ताजा हो गई। इससे पहले 2013 में लोक सेवा आयोग ने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में इतनी बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।